29 नवेम्बर बलांगीर जिले में मंडी में धान किणाज बलांगीर जिला डीआरडीए सम्मेलन कक्ष में जिला स्तरीय खरीफ धान किणा प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होता बैठक निष्पत्ति अनुजाई खरीफ ऋतु 2021 नवेम्बर 29 तारीख बलांगीर जिला तमाम धान किणा प्रक्रिया आरंभ हो सूचना दी जाएगी। जिलापा चंचल राणा अध्यक्षतार अनुषित बैठक में विधायक बलांगीर नरसिंह मिश्र पटनागढ़ विधायक सरोज मेहर सांसद प्रतिनिधि जिला परिषद अध्यक्षा भारती महानंद लोहेसिंगा और टिटलागड़ प्रतिनिधि सहित पटनागढ़ और टिटलागड़ उपजिलापा एवं जोगाण कृषि समवाय एफसीआई चाषी प्रतिनिधि दल मिल मालिक माने उपस्थित थिले। चलित वर्ष साधारण एएफएक्यू धानर सहायक मूल्य क्विंटल प्रति 1940 रखा जाइथिबा बेले ओ ग्रेड एएफएक्यू धानर मूल्य क्विंटल प्रति 1960 धार्य करा जाइछि। चलित वर्ष बलांगीर जिले में 26,555 जन चाषी पंजीकृत होइछन्ति। लोकंकर उपठु तळ पर्यंत चरित्र परिवर्तन नहला पर्यंत ये घटुव आलोचना होतुव ये अघटन मैंने घटुव दुर्नीति चलत पटनी छट्टी को आम जिते जोर उठाऊ से जोर आहरी अधिका अधिका बढ़ी चलती छत्री स्पष्ट भाव में कहले ये जो जगार भी अव्यवस्था देखाई आईन उल्लंघन होौजदारी करंध केस होतु कई बंधा पड़ू ना जिला प्रशासन ने निष्पत्ति नहींगला जेन माने फेक चाषी थे समे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आगामी दिन में भी जेन माने फेक चाषी हे से भी कार्यानुष्ठान निया एवं जिलापाल एवं समस्त आलोचना करा किंतु मरुड़ी समय रे आमर सुरखुरु धान किणा जाइपरवा और चाषी को ठकामी शोषण नहीं करवा तार आलोचना है विभिन्न डिस्कसन रहा अराइवल रजिस्टर आरंभ करके टोकन सीसीटीवी कैमेरा प्लीन स्टोरेज हवा कथा नाइट वाचर रखाटा क्वालिटी एनालिस्ट ए सबूर डिटेल्स आज आलोचना करागला भल कंस्ट्रक्टिव सजेसन्स अनरेबल एम एल एज मान जिला परिषद प्रेसीडेट और चाषी रिप्रेजेटेटिव मानू भी मिली आउ सबूक आम भल भाव में कार्यकारी कर गवर्नमेंट निष्पत्ति 80% जो आम सरप्लस अच्छी तार टोकन तार जो टारगेट एका सांगे रिलीज कर देर से ही इश्यूटा जो लास्ट टाइम इंस्टॉलमेंट रे हमें टारगेट मिलुतला सेटा एते हवा कथा नै। बलांगीर जिला ईपीए रु अंजु पृष्टिंग रिपोर्ट ईपीए न्यूज।